गाइस, मैं समीर इनकी पुकार से आपके साथ, और आज जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, और उस वीडियो में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने सजेशंस वहां पर दें। आपको क्या लगा, आप सभी ने वो वीडियो देखा और आपको क्या महसूस हुआ, उस पहले वीडियो देख लीजिएगा, मैं बात करता हूँ आपसे। आप सभी ने वीडियो देखा, और देखने के बाद मैं पहले आपको बता दूं ये वीडियो है कहां का। ये है त्रिपुरा अगरतला का, त्रिपुरा अगरतला, जहां पर पीएम मोदी के साथ ये दो मिनिस्टर्स हैं, और ये कोई छोटा मोटा पोजीशन या डिजिग्नेशन हैंडल नहीं करते, अच्छा बड़े तबके के ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर लेवल पे हैं। और यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो की, तो जो राइटअप जो पब्लिकेशन ने, जो चैनल ने वीडियो डाला और साथ ही साथ राइटअप डाला, वहाँ पर उसने डाला कि जो पार्टी के और भी नेता लोग हैं, उन्होंने कहा कि लड़की ने कोई कमेंट नहीं डाला, लड़की ने कोई कंप्लेंट नहीं डाली, लड़की ने अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की है, क्यों मीडिया इसको एक तरह का बवाल बना रहा है या एक तरह का मीडिया ट्रायल इसके ऊपर कर रहा है। तो पहले तो ये बता दें सर, जो जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है वहाँ पर, मैं स्टेटमेंट भी आप लोगों को हीला पब्लिकली, ऑलरेडी बेइज्जत हो चुकी है एक मिनिस्टर लेवल इंसान पर, कोई उसके हिप पर, बम पर, उसकी बैक पर हाथ रखता है, और वो क्लियरली बताया जा रहा है वहाँ पर कि किस तरह से वो अपने जिस्म पे से उसका हाथ हटा रही है, और क्या बेशरम तरीके का आदमी है कि हाथ हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्लीन लेवल की तो एक हद हो गई यहाँ पर, कि यहाँ ये भाई साहब का हाथ झटका जा रहा है और बंदा बेशरम, देख सकते हैं आप उस वीडियो में, वो वापस उसके पीछे आके ठहर रहा है, किस तरह से कोशिश कर रहा है कि अपने आप उसको वो अपने जिस्म से उसे टच करें, हाथ नहीं है, पहले हाथ हटा दिया तो लाके जिस्म ही लगा दिया। फिर मुझे याद आता है यार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब कभी भी इस तरीके से वीडियो में देखता हूँ मुझे तुरंत याद आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यार बेटी पढ़ाने की बात ठीक है, बेटी बचाएं किस किस से, एक लिमिट हो गई यार। मतलब वॉचमैनों ने नहीं छोड़ा, स्कूल के टीचरों ने नहीं छोड़ा, कॉलेज के प्रोफेसरों ने नहीं छोड़ा, ट्यूशन देने वाले टीचर ने नहीं छोड़ा, ऑटो वाले ने नहीं छोड़ा, टैक्सी वाले ने नहीं छोड़ा, बस वाले ने नहीं छोड़ा, बस्ती वालों ने नहीं छोड़ा, अब तो पार्टी वाले भी पीछे पड़े हैं, तो पार्टी के लोग भी नहीं छोड़ेंगे अपने कलीग, अपने आप मतलब अपने कलीग को नहीं छोड़ेंगे, हद हो गई। मतलब अब ऐसे हो गया कि लड़की अच्छे कपड़े पहनना भी प्रॉब्लम हो गई, लड़की वेस्टर्न वेयर पहनना भी प्रॉब्लम हो गई। अभी यहाँ पर आरएसएस कहाँ जाकर बैठा है समझ नहीं आ रहा है, एकदम संस्कारी कपड़े पहने हैं मैडम ने, संस्कारी कपड़े, साड़ी और ब्लाउज पहने हैं, फिर भी लौंडे छेड़ रहे हैं, अब तो मैं लौंडे भी नहीं कहूँगा, बुड्ढे छेड़ रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद यार एक कमेंट तो बनता ही है, और वहाँ पर बताओ कि क्या जो हुआ वो सही था। याद आता है कि पॉर्न बैंड हो चुका है इंडिया में, और इसी के चलते बुड्ढे बहक चुके हैं, पता नहीं इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक पब्लिक प्लेस है, या मैं कहूँ कि ये एक स्टेज है, और हमारे साथ देश की पहचान, देश का प्रधानमंत्री है, तब भी अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यार। मतलब इस हिसाब से तो देखा गया तो पॉन चालू रहना ही ठीक था, बंद करने के बाद बुड्ढे बहुत परेशान कर रहे हैं। चलिए बने रहिए इनकी पुकार पे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करो यार, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो, हद है यार, बुड्ढे बिगड़ रहे हैं यार, आप लोग तो यंग जनरेशन हो देखने वाली, थोड़ा तो बिगड़ो।
चले बने रहेगा इनकी पुकार पे।